फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक रिक्वायरमेंट 2022, आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड से आई न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। आप इनको पोस्ट्स के लिए कैसे अप्लाई करेगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नाविक जनरल डिप्टी डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 22 पोस्ट्स आई हुई हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट आपकी 4 जनवरी 2022 से होने वाली है और लास्ट डेट आपकी 14 जनवरी 2022 रखी गई है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिटेल के बारे में। जनरल ड्यूटी के आपके जनरल के 122 पोस्ट्स आई हुई हैं। EWS में यहाँ पे आपकी 28 पोस्ट आई हुई हैं, OBC 72 आई हुई हैं, ST की 11 पोस्ट आई हुई हैं और SC में 37 पोस्ट आई हुई हैं। टोटल आपकी 260 वैकेंसीज आई हुई हैं जनरल ड्यूटी में। डोमेस्टिक ब्रांच में आपकी जनरल की 12 वैकेंसीज आई हुई हैं, EWS में 2 आई हुई हैं, OBC में 9 आई हुई हैं, ST में 7 आई हुई हैं, SC में 5 आई हुई हैं। टोटल आपकी 35 पोस्ट्स इसमें आई हुई हैं। यांत्रिक मैकेनिकल में आपकी जनरल की 4 पोस्ट आई हुई हैं, EWS की 1 आई हुई है, OBC की 2 आई हुई हैं, ST की 6 आई हुई हैं, SC की आपकी कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल आपकी 13 पोस्ट्स आई हुई हैं। बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में आपकी जनरल की 6 पोस्ट आई हुई हैं, OBC में 2 पोस्ट आई हुई हैं, SC में 1 पोस्ट आई हुई है। टोटल आपकी 9 पोस्ट आई हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जनरल की 3 पोस्ट आई हुई हैं, OBC में 1 आई हुई है, SC में 1 आई हुई है। टोटल आपकी 5 पोस्ट्स आई हुई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जनरल डिप्टी की क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास किया है, मैथ और साइंस से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की आपने 10th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यांत्रिक में आपने 10th पास किया है विद आपके पास ITI डिप्लोमा है रिवलेंट फील्डिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम आपकी 22 ईयर रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपकी जनरल OBC EWS के 250 रुपये लगने वाले हैं। SC ST का यहाँ पे आपका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। पहले आपका इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने वाला है। सैलरी आपकी नाविक जनरल ड्यूटी के आपकी 21,700 रुपये प्रति माह आपको मिलने वाला है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की आपकी सैलरी 21,700 रुपये रखी गई है। यांत्रिकी की आपकी सैलरी 29,200 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। नाविक BD एग्जाम पैटर्न 2022 आपका क्या रहने वाला है, इसमें सेक्शन 1 नाविक BD 60 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 60 मार्क्स के, टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, GK के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल फ्रेंड नाविक DB में आपके सेक्शन 1 में आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 मार्क्स के, 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब आपका इसमें मार्क्स लाना, पासिंग मार्क्स लाना कितना ज़रूरी है। अनरिजर्व EWS के, OBC के आपको 30 मार्क्स लाना इसमें पास होने के लिए ज़रूरी है। SC ST के लिए 27 मार्क्स को आपको लाने हैं। सेक्शन 2 में नाविक DD में आपका कैसे रहने वाला एग्जाम पैटर्न, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और मैथ्स के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल आपके 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके पासिंग मार्क्स की। अनरिजर्व EWS OBDC की आपको 20 मार्क्स इसमें लाने हैं पासिंग मार्क्स, SC ST के 17 मार्क्स इसमें रखे गए हैं। सेक्शन 3 में आपका कैसे एग्जाम होने वाला है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट को आपको टाइम दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स अनरिजर्व EWS OBC को 20 लाने कंपलसरी हैं पास होने के लिए और SST के 17 रखे गए हैं। सेक्शन 4 में यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। अनरिजर्व OBC EWS को 20 मार्क्स लाने हैं पासिंग मार्क्स पास करने के लिए एग्ज़ाम और SC ST को 17 लाने कंपलसरी है। सेक्शन 5 के लिए यांत्रिक मैकेनिकल में आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 मार्क्स के, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अनरिजर्व EWS OBC के 20 आपको लाने हैं पासिंग मार्क्स, SC ST को 17 लाने हैं। अब बात करते हैं आपके जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। आइडम एंड प्रेसिस आपका आएगा, वर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज,
स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग या डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं, मैथ के सिलेबस में आपका क्या क्या आने वाला है, नंबर सिस्टम, एससीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, सीआई एंड एसआई, ट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस। जनरल नॉलेज का सिलेबस देखते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्च, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, प्रॉब्लम सीरीज, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वीन डायग्राम्स, एनालॉगी, सिंबॉलिक या नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, ड्राइंग इंटरफेसेस, एम्बेंडेड फिगर, स्लो गेम्स। फिजिक्स का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, फिजिकल फर्ड एंड मेजरमेंट, मॉडर्न फिजिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ह्यूमनाइज मोशन, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड और नॉट, नॉर गेट्स आपके आने वाले हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, आपका फिजिकल टेस्ट में इसमें क्या क्या होने वाला है, आपको इसमें 1.6 किलोमीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी है 7 मिनट, 20 आपके इसमें उठक बैठक लगाई जाएगी और आपके 10 इसमें पुशअप कराए जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में देखते हैं, हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है, चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर तक फुला, वेट आपका एज हाइट के अकॉर्डिंग आपका इसमें वेट होना चाहिए, हियरिंग आपकी नॉर्मल इसमें रखी गई है, विजुअल स्टैंडर्ड में आपकी बेहतर आइस के लिए 6/6 और सबसे बुरी आइस के लिए 6/9 का इसमें रखा गया है, टैटू आपका स्थायी रूप से आपकी बॉडी पर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड ये सब आपका सिलेबस रहने वाला, एग्जाम पैटर्न रहने वाले हैं, हमने इस वीडियो में सभी टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।